तो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है बीज गणित, या एडवांस मैथ का टॉपिक है जिससे बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इसकी बेसिक अप्रोच के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक आप देख पा रहे हैं बीज गणित है, इसका अंग्रेजी में मतलब होता है एलजेब्रा। इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो आज हम वो बेसिक सवाल पढ़ेंगे जिसके ऊपर ये पूरी एलजेब्रा टिकी हुई है। क्योंकि अगर आप बेसिक क्लियर कर लेते हैं तो फिर बड़े सवाल आसानी से सोल्व किए जा सकते हैं। तो वो बेसिक सवाल क्या होते हैं, देखो एलजेब्रा यहाँ से स्टार्ट होती है। जो एलजेब्रा का पहला कंसेप्ट है, या जो पहला सवाल मान सकते हैं, स्टार लगाकर मैं लिख रहा हूँ, पहला कंसेप्ट जो एलजेब्रा का है, आपको क्या दिया जाएगा, आपको दिया जा सकता है एक्स प्लस एक बटा एक्स। देखो हमारी जो एलजेब्रा है लगभग सवाल इस पर डिपेंडेड होते हैं। यहाँ पर एक्स आता है तो यहाँ पर क्या आता है, एक बटा एक्स। पहला सवाल क्या है, एक्स प्लस एक बटा एक्स का मान अगर के है तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक्स माइनस एक बटा एक्स का मान क्या होगा, ध्यान रखना है। देखो हमें पूछा क्या गया है, प्लस चिन्ह देकर माइनस पूछा गया है, तो यहाँ पर होता है के स्क्वायर और यहाँ पर होता है चार। देखो याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, इन सवालों को आप बेसिक तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये कंपटीशन है। जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ इनको डायरेक्ट अपने दिमाग में याद रखना है, तो देखना बड़े सवालों में आपको कितना टाइम बचता है, कितनी मदद मिलती है। ये इतने ही 8-10 कंसेप्ट मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अगर ये याद कर लोगे तो बड़ी बात होगी। एक्स प्लस एक बटा एक्स बराबर के है तो आपको पूछा क्या गया है, एक्स माइनस एक बटा एक्स वो क्या होता है, के स्क्वायर, यहाँ पर चार आता है। और ध्यान रखना जो पूछा जाता है वही चिन्ह आता है। बताओ क्या पूछा गया, एक्स माइनस एक बटा एक्स, तो क्या पूछा गया, माइनस का चिन्ह पूछा गया है, तो यहाँ चिन्ह किसका आएगा, माइनस, और इसका क्या कर देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं। तो ये अपने आप में एक सवाल ही है, के का मान आपको कुछ भी दिया जा सकता है, मतलब एक्स प्लस एक बटा एक्स बराबर के है तो एक्स माइनस एक बटा एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस चार होता है। अब देखो इस कंसेप्ट में मैं आपको एग्जांपल भी समझा देता हूँ, सवाल कैसे आएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, एक्स प्लस एक बटा एक्स का मान तीन है तो आपको क्या पूछेगा, एक्स माइनस एक बटा एक्स क्या होगा। तो बताओ यहाँ पर के का मान कितना है, आप देख पा रहे हैं x प्लस एक बटा x बराबर तीन है तो k का मान क्या हो गया भाई, तीन हो गया। आपको क्या पूछा गया है, x माइनस एक बटा x, और मैंने आपको क्या बताया था, x माइनस एक बटा x यहाँ पर क्या होता है, k स्क्वायर, माइनस पूछा गया है तो चिन्ह आएगा माइनस का, यहाँ पर क्या करते हैं चार, और इसका क्या कर देते हैं, वर्गमूल कर देते हैं। तो बताओ k का मान कितना है भाई, तीन, तीन का स्क्वायर कितना आ गया, नौ, नौ में से चार कम कर देंगे, नौ में से चार कम कर दिया तो कितना आ गया, अंडर रूट पाँच। तो अक्स माइनस एक बटा अक्स का मान कितना आ गया, अंडर रूट पाँच। तो इससे आपने क्या सीख लिया, अक्स प्लस एक बटा अक्स को बदला जा सकता है अक्स माइनस एक बटा अक्स में, तो आपको क्या करना है, सिर्फ अंडर रूट के स्क्वायर माइनस चार करना है। अब मैं आपको एक दूसरा कंसेप्ट बताता हूँ, ये तो वो कंसेप्ट है जब आप प्लस से किस में जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं। दूसरा कंसेप्ट इसका क्या है, देखो नियम जो दूसरा है ये भी बड़े सवालों में हमारी मदद करेगा। अब की बार हमें क्या दिया जाएगा, अब की बार हमें एक्स माइनस एक बटा एक्स का मान दिया जाएगा। एक्स माइनस एक बटा एक्स अगर के है तो फिर आपको क्या पूछा जाएगा भाई, अब की बार माइनस दे दिया तो क्या पूछा जाएगा, एक्स प्लस एक बटा एक्स। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, सेम पहले वाला ही है, यहाँ पर क्या होता है के स्क्वायर और यहाँ पर क्या होता है चार, और मैंने आपको बताया था जो पूछा जाता है वही साइन आपको लिखना है। तो यहाँ प्लस पूछा गया आपकी बार तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा, और इसका क्या कर देते हैं, वर्गमूल कर देते हैं। तो ये एलजेब्रा का दूसरा कंसेप्ट होता है, अगर एक्स माइनस एक बटा एक्स बराबर के है तो एक्स प्लस एक बटा एक्स अगर आपको पूछे तो क्या होगा, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस फोर, मतलब इस चिन्ह का ध्यान रखना है, अगर प्लस है तो प्लस फोर, और पहले वाले में माइनस था तो यहाँ क्या आ गया, माइनस फोर। अब इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ, सवाल किस तरीके से आएगा। जैसे एक्स माइनस एक बटा एक्स मान लो आपका चार है तो क्या पूछेगा फिर, एक्स प्लस एक बटा एक्स का मान है क्या होगा। तो आप बताओ अब की बार के का मान क्या है, के तो कितना है भाई, चार है, आपको मान किसका निकालना है, एक्स प्लस एक बटा एक्स, और मैंने आपको क्या बताया था, के स्क्वायर प्लस फोर का वर्गमूल, तो के स्क्वायर प्लस फोर का क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। बताओ के का मान क्या भाई, चार है,
चार का स्क्वायर क्या हो गया 16, चार जुड़ जाएगा तो 16 + 4, 16 और 4 कितना होता है 20, और 20 के ऊपर क्या है वर्गमूल, या तो इसको अंडर रूट 20 लिख सकते हैं या फिर इसके टुकड़े भी कर सकते हैं। देखो टुकड़े कैसे करते हैं, 20 को तोड़ दो 4 × 5, और 4 का तो वर्गमूल संभव है इसलिए 4 को बाहर निकालेंगे तो वर्गमूल से बाहर आएगा 2 √5, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 √5। तो दो कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ, अक्स माइनस 1/x को बदला जा सकता है अक्स प्लस 1/x में, और अक्स प्लस 1/x को बदला जा सकता है अक्स माइनस 1/x में। अब देखो तीसरा कंसेप्ट हम लेते हैं। देखो छोटे छोटे कंसेप्ट आपको लग रहे हैं लेकिन जब बड़े सवाल आएंगे तो इनका बहुत ज़्यादा यूज होगा। तीसरा कंसेप्ट क्या है, तीसरा कंसेप्ट, अब तक तो हम एक घात से एक घात की तरफ जा रहे थे, अब हम एक घात से दो घात की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा कंसेप्ट ये होता है, आपको अक्स प्लस 1/x का मान दे देगा, अक्स प्लस 1/x बराबर अगर k है तो अब की बार आपको स्क्वायरों का जोड़ पूछेगा, किसका जोड़ पूछेगा अक्स स्क्वायर प्लस 1/x2। देखो अक्स प्लस 1/x, आधा सवाल लगभग यही होता है, या तो अक्स प्लस 1/x होगा या अक्स माइनस 1/x होगा, तो हम कौन सा सवाल ले रहे हैं, अक्स प्लस 1/x बराबर के है तो अक्स स्क्वायर प्लस 1/x2, आसान है बहुत। यहाँ पर देखो अब की बार स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लिखना है के स्क्वायर लिखना है। इसके बाद देखो याद करने का तरीका क्या है, या तो हम प्लस 2 करेंगे या माइनस 2 करेंगे, तो ध्यान रखने का सीधा सा तरीका है, अगर यहाँ पर चिन्ह आपका क्या है प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस 2 करेंगे और यहाँ पर माइनस है तो प्लस 2 करेंगे, तो बताओ यहाँ चिन्ह किसका है प्लस का है, प्लस है तो इसका उल्टा चिन्ह यहाँ क्या कर दोगे माइनस 2 कर दोगे। तो ध्यान रखना है अगर x प्लस 1/x दिया हुआ है k, अगर ये स्क्वायर का जोड़ पूछ लिया गया है तो प्लस है तो k स्क्वायर में से क्या कर दोगे माइनस 2 कर दोगे। अब एग्जांपल से इसको हम समझ लेते हैं ताकि आपका ये कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर आपको दे दिया x प्लस 1/x का मान दे दिया, मान लो 5 दे दिया, तो क्या पूछेगा हमें स्क्वायर पूछेगा। देखो सवाल आसान है लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट ही करने पड़ते हैं इसलिए ये कंसेप्ट आपको दिमाग में याद रखने हैं। आपको पता है यहाँ पर k का मान कितना है भाई, k का मान तो कितना है 5, k वो होता है जो x प्लस 1/x वाला पद होता है। आपको स्क्वायर पूछा गया है तो बताओ इसका आंसर क्या होता है स्क्वायर का, k स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो माइनस 2, तो यहाँ 5 है, 5 का स्क्वायर है 25, 2 कम कर दो, 25 में से 2 कम कर दिया कितना आ गया 23 आ गया। तो इस तरीके से हम सवाल को सोल्व कर लेते हैं। अब देखो माइनस से भी स्क्वायर पूछे जा सकते हैं, ये तो वो सवाल था जब प्लस से आपको स्क्वायर का जोड़ पूछ लिया। चौथा कंसेप्ट होता है माइनस से स्क्वायर कैसे पूछेगा। देखो चौथा कंसेप्ट है, अगर आपको दिया गया है अक्स माइनस 1/x बराबर के तो स्क्वायर पूछेगा आपको, तो अक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मैंने समझाया था स्क्वायर पूछे तो यहाँ k का क्या करना है स्क्वायर, या तो प्लस 2 करना है या फिर माइनस 2 करना है, तो प्लस 2 करोगे या माइनस 2, इस चिन्ह को देखो बस इस चिन्ह का उल्टा करना है, यहाँ कौन सा चिन्ह है माइनस है तो माइनस है तो माइनस का उल्टा प्लस, तो आपको यहाँ क्या करना है प्लस 2 करना है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक एग्जांपल से इस कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूँ, देखो एक बार और बता देता हूँ, अक्स माइनस 1/x बराबर है के तो अक्स स्क्वायर प्लस 1/x2 बराबर के स्क्वायर, या माइनस था तो प्लस 2। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लो अक्स माइनस 1/x का मान है 5 है तो आपको क्या पूछा गया है अक्स स्क्वायर प्लस 1/x2 है क्या होगा। तो देखो एक एग्जांपल के माध्यम से समझ रहे हैं हम, इसकी वैल्यू आपको पूछी गई है, अब की बार आपको माइनस दिया गया है, माइनस है तो क्या करना है प्लस 2 करना है, तो देखो k का मान कितना है भाई 5 है, हमें तो क्या पूछा गया है अक्स स्क्वायर प्लस 1/x2, तो k स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, अब की बार यहाँ पर माइनस है तो क्या करोगे प्लस 2 कर दोगे, तो 5 का स्क्वायर करो 25, 2 जोड़ दो 25 और 2 कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो ये चौथा कंसेप्ट है, देखो छोटे छोटे कंसेप्ट है, ये दिमाग में फीड करते चलो ताकि आगे बड़े सवाल हम करेंगे तो उनमें डायरेक्ट इनकी वैल्यू पुट करनी पड़ती है। अब मैं आपको पांचवा कंसेप्ट समझाता हूँ, देखो चार कंसेप्ट आप समझ चुके हैं, चौथा कंसेप्ट क्या था,
एक घात से आप स्क्वायर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब पांचवा कंसेप्ट क्या होता है, जब एक घात से हम तीन घात की तरफ बढ़ते हैं, मतलब क्यूबों की तरफ बढ़ते हैं, घनों की तरफ बढ़ते हैं, तो सवाल किस फॉर्म में होगा, आपको दिया जाएगा अक्ष प्लस एक बटा अक्ष बराबर के है, तो आपको क्यूब पूछे जाएंगे, अक्ष क्यूब प्लस एक बटा अक्ष क्यूब। देखो इस सवाल को पूछने का तरीका और याद करने का तरीका आपको सीखना है, आपको रटना नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक से इनको याद रखना है। अक्ष प्लस एक बटा अक्ष बराबर के है, तो क्या पूछा गया है, अक्ष क्यूब प्लस एक बटा अक्ष क्यूब। आपको ध्यान रखना है यहाँ क्यूब हो रहे हैं तो के का क्या कर दो, क्यूब। पहले वाले में स्क्वायर हो रहा था तो के का क्या किया था, स्क्वायर। यहाँ क्यूब पूछे गए हैं तो के क्यूब। ध्यान रखना अगर प्लस प्लस, ये दोनों चिन्ह सेम होने चाहिए, या तो प्लस प्लस होने चाहिए या माइनस माइनस होने चाहिए। प्लस से आप प्लस का क्यूब निकाल सकते हैं, माइनस से माइनस का क्यूब। अगर दोनों चिन्ह प्लस प्लस है तो प्लस का उल्टा चिन्ह लिखते हैं, प्लस प्लस तो प्लस का उल्टा माइनस, और यहाँ क्या कर देते हैं, तीन के। मतलब यहाँ तो के क्यूब, फिर तीन को गुणा में ले आओ, के क्यूब माइनस तीन के, तो के क्यूब तो सब में रहेगा, प्लस प्लस है तो क्या होगा, माइनस तीन के। अब एक एग्जांपल से इस कंसेप्ट को और ज्यादा क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, जैसे अक्ष प्लस एक बटा अक्ष बराबर है पांच है, तो क्या पूछेगा भाई, अक्ष क्यूब प्लस एक बटा अक्ष क्यूब क्या होगा। तो सीधी सी बात है, पूरे सवाल इस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो यहां पर के का मान कितना है बताओ, पांच है, तो आपको तो क्यूब पूछे गए हैं, अक्स क्यूब प्लस एक बटा अक्स क्यूब, तो इसका मान क्या होता है के पदों में, के क्यूब तो रहेगा ही रहेगा। अब दोनों ही चिन्ह प्लस प्लस है तो क्या कर देना है, माइनस तीन के कर देना है। बताओ के तो पांच है, तो पांच की घात तीन कितनी होती है, 125 माइनस तीन गुणा पांच कितना होता है भाई, 15। तो 125 में से 15 गया, कितना बच गया, 110 बच गया। तो ये एलजेब्रा का पांचवा कंसेप्ट होता है, प्लस प्लस देकर के आपको क्यूब पूछे गए हैं। देखो अक्स प्लस एक बटा अक्स बराबर के है, तो अक्स क्यूब प्लस एक बटा अक्स क्यूब, के क्यूब तो आपको रखना ही रखना है, प्लस प्लस है तो माइनस का तीन के कर देना है। इसके बाद छठा कंसेप्ट होता है, आपको माइनस से माइनस का क्यूब भी पूछा जा सकता है। छठे कंसेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं भाई, देखो ये बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है, बड़े सवालों का हम बेस तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जब बिल्डिंग की नींव मजबूत होती है तो उसके ऊपर कितनी भी इमारतें बनाई जा सकती है। तो ये एलजेब्रा है, इसका बेसिक है, बेसिक आप धीरे धीरे क्लियर करें, बड़े सवालों में देखना आपको कितनी हेल्प मिलती है। छठा कंसेप्ट इसका क्या है, अक्स माइनस एक बटा अक्स आपको दिया जाएगा, अक्स माइनस एक बटा अक्स अगर के है तो आपको क्या पूछा जाएगा, अक्स क्यूब माइनस एक बटा अक्स क्यूब पूछा जाएगा। देखो इन सवालों में सिमेट्री होती है, यहाँ चिन्ह अगर माइनस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ चिन्ह प्लस होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको बदलना पड़ता है। देखो दोनों चिन्ह माइनस माइनस है, तो तरीका याद करने का, क्यूब पूछे गए हैं तो के क्यूब तो रहेगा ही रहेगा, माइनस माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह का उल्टा क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, प्लस है तीन के कर दोगे, दोनों याद रह जाएंगे। अगर माइनस माइनस है तो प्लस तीन के, पहले वाले सवाल में प्लस प्लस था तो आपने क्या किया था, माइनस तीन के। अब एक एग्जांपल से इस कंसेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, अक्ष माइनस एक बटा अक्ष का मान मान लो आपको दिया गया है तीन है, तो क्या पूछा जाएगा, माइनस से हमेशा माइनस का क्यूब पूछेगा, अक्स क्यूब माइनस एक बटा अक्स क्यूब का मान आपको पूछा गया है। तो सारे सवाल इस पर डिपेंडेंट होते हैं, बताओ के का मान कितना है, यहाँ पर तीन है, तो के बराबर कितना है भाई, तीन है, तो आंसर क्या होगा, माइनस से माइनस का क्यूब इसने पूछा है, तो आंसर हो जाएगा के क्यूब माइनस माइनस है तो क्या कर दोगे, प्लस है तीन के कर दोगे, तो के क्यूब तीन, तीन की घात तीन कितनी होती है, 27 प्लस तीन के, मतलब तीन गुणा तीन, तो 27 तो है ही, 27 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ये एलजेब्रा का छठा कंसेप्ट होता है। तो मैं आपको छह कंसेप्ट बता चुका हूँ, पहला कंसेप्ट क्या था, एक घात से आप एक घात की तरफ जा सकते हैं, एक घात से दो घात की तरफ जा सकते हैं, और एक घात से तीन घात की तरफ जा सकते हैं। तो ये जो छह कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं, एक बार ब्रीफली इनको रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि आगे हम इन कंसेप्ट का यूज करेंगे। पहला कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया था बताओ,
अक्स प्लस एक बटा अक्स बराबर के है तो आपको क्या पूछेगा, अक्स माइनस एक बटा अक्स। याद करने का तरीका क्या बताया था, अगर जो पूछा जाता है वही चिन्ह लिखना है, तो चिन्ह तो आएगा माइनस, यहाँ पर बताया था के स्क्वायर, यहाँ पर क्या रहता है चार। तो ये मैंने पहला कंसेप्ट आपको बताया था। दूसरा कंसेप्ट क्या बताया था, यहाँ पर माइनस से प्लस पूछेगा, अक्स माइनस एक बटा अक्स अगर के है तो फिर आपको क्या पूछेगा, अक्स प्लस एक बटा अक्स। तो याद रखने का तरीका, पूछा क्या गया था प्लस, तो चिन्ह किसका आएगा प्लस, इधर रहेगा के स्क्वायर और यहाँ रहेगा चार, तो क्या होगा अंडर रूट के स्क्वायर प्लस चार होगा। तीसरा कंसेप्ट मैंने क्या बताया था, स्क्वायर पूछे जाएंगे, तो देखो अक्स प्लस एक बटा अक्स बराबर क्या होता है के, तो आपको स्क्वायर पूछेगा, अक्स स्क्वायर प्लस एक बटा अक्स स्क्वायर। स्क्वायर याद करने का तरीका क्या बताया था, देखो स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर तो करना ही करना है के स्क्वायर का, मैंने कहा था या तो प्लस दो करेंगे या माइनस दो करेंगे, लेकिन क्या करेंगे उल्टा करेंगे, अगर यहाँ प्लस चिन्ह है तो यहाँ क्या करेंगे माइनस दो करेंगे। तो ये मैंने तीसरा कंसेप्ट बताया था। चौथा कंसेप्ट क्या बताया था, अगर अक्स माइनस एक बटा अक्स बराबर के है तो हमें स्क्वायर पूछेगा, अक्स स्क्वायर प्लस एक बटा अक्स स्क्वायर। याद करने का सीधा सा तरीका, के स्क्वायर तो इसमें भी रहेगा लेकिन अब की बार माइनस है तो माइनस का उल्टा प्लस, तो क्या करेंगे प्लस दो करेंगे। तो ये चार कंसेप्ट मैंने बताए थे, इसके बाद दो कंसेप्ट मैंने और बताए थे। पांचवा कंसेप्ट बताओ क्या बताया था, एक घात से तीन घात में कैसे जाते हैं, तो पांचवा कंसेप्ट क्या था, अगर अक्स प्लस एक बटा अक्स बराबर के है तो प्लस से प्लस की क्यूब पूछेगा, क्या पूछेगा अक्स क्यूब प्लस एक बटा अक्स क्यूब। याद करने का तरीका, प्लस है तो प्लस, देखो के क्यूब तो रहेगा ही रहेगा, चिन्ह का ध्यान रखना है, या तो प्लस तीन के करते हैं या माइनस तीन के करते हैं, प्लस प्लस है तो प्लस प्लस का उल्टा माइनस, तो यहाँ क्या करना है माइनस तीन के करना है। तो ये पांचवा कंसेप्ट था। छठा कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया था, अक्स माइनस एक बटा अक्स बराबर क्या दे देगा के, तो माइनस से माइनस का क्यूब पूछेगा, तो क्या पूछेगा भाई, अक्स क्यूब माइनस एक बटा अक्स क्यूब पूछेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, के क्यूब तो होगा ही होगा, यहाँ पर माइनस माइनस सेम चिन्ह होने चाहिए, ध्यान रखना माइनस माइनस है तो क्या करना है प्लस है, तीन के करना है। तो आज मैंने ये छह कंसेप्ट बताए हैं, और एलजेब्रा में बहुत सारे सवाल होते हैं जो इनके ऊपर डिपेंडेड होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। वीणा पाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करनीय है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगा ली। आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन आरएस प्रॉपर। थैंक यू बेंच अपलान शानदार तालियां लौटी से करना चाहिए। पूरे कपड़ा उस पानी में डालना जबरदस्त, उसका सांस घुटने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने वो जोर से दबा दिया, उसने पूरा जोर लगा दिया और जब एक दो मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा।
वो जब बाहर वापिस आया तो उसने कहा, गुरुजी ये आपने क्या किया, मैं तो क्या पूछ रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था, जब के एक एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा लूं किसी तरह से बाहर निकल जाऊं। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य हासिल कर सकते। आप सबके लिए, आप पे मैं ले रहा हूँ, आपके लिए।